नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने देखा था बाइनरी को डेसिबल और डेसिबल को बाइनरी में चेंज करे थे, और आज बताएंगे आपको कि बाइनरी को किस प्रकार ऑक्टागल में चेंज कर दे, ऑक्टागल को किस प्रकार बाइनरी में चेंज कर दे। एकदम इजी टॉपिक चला, आपको भी मालूम है, और आज आपको बताएंगे बाइनरी को ऑक्टागल में, ऑक्टल को बाइनरी। दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखा करो, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करा करो, और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज बता रहे आपको बाइनरी टू ऑक्टागल या ऑक्टल टू बाइनरी। आपको ये भी मालूम है कि बाइनरी का आधार कितना होता है, 2, ऑक्टल का आधार कितना होता है, 8। ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको बताया बाइनरी का आधार 2 और डेसिमल का आधार 10, ऑक्टल का आधार 8, और इसके बाद आपको बताएंगे हेक्साडेसिमल, उसका आधार होता है 16। तो आज देखो आप बाइनरी टू ऑक्टागल, तो टॉपिक का नाम लिखो बाइनरी टू ऑक्टागल, ठीक दोस्तों। तो आज है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद में आप आगे देखो, आप यानी बाइनरी को हम ऑक्टागल में, इसके लिए दोस्तों आप एक ही देखना। अब आप बताएंगे एक संख्यात्मक पद्धति का डाटा बताएंगे, यानी इसके लिए आपके ऑक्टागल की संख्या दी रहेगी, यानी कुल मिला के आपको एक त्रिभाग ऑक्टल की संख्या, ऑक्टल में कितनी होती है 8, तो 1 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 7 तक, और उसके सामने उसकी डाटा संख्या दी होगी जो आपको याद करनी है। इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएगी। तो आप एक बार इसको क्लियर कर लो, यानी ये होती है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या आपकी बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या ऑक्टल संख्या है, तो ये 0 से लेके 7 तक होती है। तो अब इसे ऑक्टल संख्या का सामने आपको ये जो डाटा दे रहा हूँ संख्या तो बताए, ये आपको याद करना है। यानी 0 का क्या होता है डाटा, 0 होता है, 1 का क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्या होता है, 10 होता है, 3 का क्या होता है, 11। अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में 4 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 के बाद में वापस वही स्टार्ट हो जाएगा 101, फिर 110, फिर 111। बस आपको इतना सा डाटा याद करना है जो आप लगातार अभ्यास करोगे तो ये भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार याद करना, 0 से लेकर 7 तक, फिर 0 को 0, 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, यहाँ तक होने के बाद 4 का आएगा 100, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया यानी 101, 5 का, फिर 6 का 110, फिर 7 का 111। तो इस प्रकार ये तो आपको याद करना ही है, यानी अगर आपको बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने है, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज, तो इतनी सी तो आपको ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी। अब इसके लिए देखो, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये किस प्रकार का, माना कि आपका एक उदाहरण आ गया, उदाहरण क्या आया कि माना कि एक उदाहरण आ गया 0, एक तो दे दी 0, 11, और इसके बाद में हाँ ये संख्या आ गई किसी प्रकार की संख्या होगी। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें आपको ध्यान रखना, तीन तीन संख्या होगा, तीन तीन संख्या होगा वो बनाना पड़ेगा, क्या तीन तीन संख्या होगा डाटा बिट बनाना पड़ेगा, और तीन तीन संख्या होगा जो बिट आए वो यहाँ पर रख देना। अगर बिट आए तो अच्छी बात है, नहीं आप जो संख्या यहाँ पर दे रखी है वो संख्या रख देना। तो अब मैं देखता हूँ इनको अलग अलग देखता हूँ, 101 और 101 इतना है माना, ये एक 101 और 101। तो अब यहाँ पर इनमें देखो 101 कहाँ पर है, देखो दोस्तों 101 ये है, तो आपका इस 101 के नीचे लिख दो 5, फिर यहाँ पर फिर वापस 101 है, तो ये भी 101, तो इसके आगे भी लिख दो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 55। यानी कुल मिला के ये संख्या क्या आपकी, यानी ये संख्या आपकी बाइनरी संख्या है, और इसको आपने किस में चेंज किया, ऑक्टागल संख्या में चेंज किया। अब इसी के अनुसार मैं आपको एक उदाहरण देके और बता रहा हूँ, एक उदाहरण क्या देके बता रहा हूँ, क्या उदाहरण दे दिया आपको 101 101, हाँ कि 101 101 और 1, ये उदाहरण आ गया, इसके अनुसार वो लग करो। अब माना कि इसमें भी तीन तीन संख्या को बिट बनेगा, अब एक संख्या का ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हमेशा दाईं तरफ से गिनेंगे हम संख्या को, ध्यान रखना कभी भी बाईं तरफ से नहीं मत गिना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दाईं संख्या क्योंकि हम इसमें तो ये आपके तीन संख्या जोड़े क्लियर दे, लेकिन अब यहाँ पर देखो 7 संख्या, तो आप जोड़ा किस प्रकार, तो ध्यान रखना हमेशा इधर से जोड़ा बनाएंगे, और आपको जो मिले वो उसी प्रकार कर लेना। अब देखना, अब आपने तीन तीन संख्या को जोड़ा, देखो 11 यहाँ पर है लेकिन और कहाँ पर 0 का, तो आप इसके आगे 0 लगा के लो, तो एक तो ये आपका 0 11, तो 0 11 नहीं तो आपका क्या दे रखा है, ओनली 11 दे रखा है, और 11 के सामने क्या है 3,
तो एक तो यहाँ 3 आ गया, फिर एक आपका वापस ही 111 आ गया, तो फिर वापस इसके आगे 0 लगा दीजिए, वापस क्या होता है 111, तो एक इसका आ गया। इसके बाद में एक है, अगर यहाँ पर नहीं है तो आप 2 0 लगा के 3 का बिट बना लो, तो अभी एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, तो एक यहाँ गया, तो इस 1001 का ये, तो इसका आंसर आएगा 133। ये क्या है? ऑक्टल। और ये क्या थी आपकी? बाइनरी। यानी बाइनरी से ने आपसे ऑक्टल किस प्रकार चेंज किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको 2 एग्जांपल के थ्रू बता दिए। अब किसी प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ले लो किसी प्रकार, ले लो 0101011111 कर लिया, किसी प्रकार होगा। अब इसमें आप तो ये ध्यान रखोगे 3 संख्या होगा बिट बनेगा, एक तो ये बिट बन गया, फिर एक 3 संख्या होगा बिट ये बन गया, फिर एक 3 संख्या का बिट बन गया। अब देखो दोस्तों ये 10 ही है, लेकिन इसके आगे 0 लगा के 3 संख्या का बिट ये कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये आता चलो, क्योंकि आपको मालूम है क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 25-30 सेकंड का समय मिलता, देखना। अब 111 कहाँ पर है? 111 तो 111 के सामने क्या है? 7। फिर वापस 011 तो 011 यहाँ, तो इसके सामने कितना आ जाएगा? 3। फिर 101, 101 के सामने 5। फिर क्या है? 010, तो 010 के 10 ओनली, तो 10 क्या गया है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यानी ये क्या थी आपकी? बाइनरी। इसका ऑक्टल क्या रहा है? 25-37। तो इसका ये क्या आ गया आपका? ऑक्टल ये आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप आराम से हल कर देगा, यानी बाइनरी को ऑक्टल में। अब आपको बताएंगे ऑक्टल को बाइनरी में किस प्रकार चेंज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है दोस्तों? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखा करो, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो भी वो भी देखो, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। तो अब आपका ये क्लियर हो चुका है। अब आपको बता रहे हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में किस प्रकार चेंज करते हैं, यानी ऑक्टल को बाइनरी में किस प्रकार चेंज करते हैं। इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको वही संख्या याद करनी, कौन सी? कि 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 का 0, फिर 1, फिर 10, फिर 11, फिर 100, फिर 101, फिर 110, फिर 111, यानी ये संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आगे देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि माना कि आपको किसी प्रकार का भी उदाहरण दिया हुआ गया, कि माना कि आपको दिया हुआ गया 627। ठीक है, अब ये 627 क्या ऑक्टल है और इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो अब इसको किस प्रकार से, अब इसमें आप ध्यान रखना कि इसको भी हम क्या करेंगे, 0 लगाकर 3 बिट बना लेंगे। अगर कहाँ पर 0 नहीं बन रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, 0 लगा के 3 बिट का बना लेंगे। तो अब इसमें देखना दोस्तों, इसमें आप किसी प्रकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 7 है, तो 7 का कितना देखो दोस्तों, पहले बात तो 7 का 3 बिट बना, तो 7 का 3 बिट आ गया 111। फिर कितना है? 2, तो 2 का कितना है? 10 है। अगर 10 है तो इसको 3 बिट करना है, यानी क्या कर लेंगे, 0 110। इसके बाद में 6, और 6 का देखो कितना है, 110, तो ये आ गया 110। तो ये पहले 11 क्या 7 का है, फिर ये आपका 011 कितने का आ गया, 3, 011, एक मिनट को, 011, यानी आपका 2 का देख लेना, 2 का 010 है, शुरू 210 है, तो इसको 010 कर लो, तो इसके आगे ऊपर कितना है, 2, तो 2 ही आ गया। फिर 110 और 110 का 6, तो 6 है, तो आपका 127। 127 क्या है? ऑक्टल है। और ये क्या थी आपकी? हाँ, आपकी ये ऑक्टल दिया हुआ था और आपने बाइनरी ये ज्ञात कर दिया। तो एक आसान उदाहरण था, इसी के अनुसार आपको एक उदाहरण और देखिए बताता हूँ मैं। यानी माना कि 163 है, और 163 क्या है दोस्तों? ऑक्टल है, और इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी सबसे पहले देखो 3 के सामने क्या है, 3 के सामने 11 है, तो इसे 0 11 कर लो। फिर 6 के सामने क्या है, 6 के सामने 110 है, तो 110 ले लो। इसके बाद में 1 है, तो 1 के सामने 1 है, लेकिन 1 है तो इसको 3 बिट का बनाना है, तो 1 फिर आगे 2 0 लगा दो, तो ये क्या हो गया, 3 बिट के 3 समूह हो गए, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3 6 1। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। मेरे हिसाब से आसान आपका ये टॉपिक है, मेरे साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। आप इसी प्रकार वीडियो को पूरा देखोगे, इसको लाइक जरूर करो दोस्तों, शेयर जरूर करो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे फिर दोस्तों।